का टाइम है तो कुछ मीठा तो बनता है, इसीलिए आज मैं आपके साथ कोकोनट लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये सिंपल रेसिपी है और इंस्टेंट रेसिपी है, क्योंकि इससे बनाने में हमें लगेंगे सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स और ये रेसिपी सिर्फ दो मिनट में बनके रेडी हो जाएगी। सो इस रक्षाबंधन आप भी अपने घर पे ये इंस्टेंट कोकोनट लड्डू की रेसिपी को ट्राई करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे चैनल की सारी रेसिपीज और उनके अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंस्टेंट कोकोनट लड्डू रेसिपी। यहाँ पे आप नॉनस्टिक पैन ले लें और उसमें डाल दें डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे हम कोकोनट पाउडर भी कहते हैं। ये आपको कोई भी राशन शॉप से इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 कप कोकोनट पाउडर लिया है और मैंने सेम कप लिया है मेजरमेंट के लिए। इसे आप अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें और अपनी फ्लेम को आप सिम पे रखें। इसके ऊपर से हम इसमें डाल देंगे अब कंडेंस मिल्क। मैंने वही सेम कप लिया है कंडेंस मिल्क के लिए। 3 कप कोकोनट पाउडर के लिए 1 कप कंडेंस मिल्क जाएगा। अब आप फ्लेम को एकदम सिम पे करके इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, जब तक कि जो मिक्सचर है वो कंबाइन ना हो जाए और एक डो या आटे की फॉर्म में ना आ जाए। तो आप इसे से लगातार चलाते रहें और 1 या 1.5 मिनट में ये आराम से कंबाइन हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लगातार हिलाते रहें। आप इसमें एक्स्ट्रा क्रंच डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बट ये टोटली ऑप्शनल है। उन्हें भी आप अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें। और ये एकदम रेडी हो चुका है, कंबाइन हो चुका है। अब आप फ्लेम को ऑफ करके इसे रूम टेम्परेचर पे आने दें। अगर आपका जो मिक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा पतला है तो आप इसमें और ज़्यादा कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। अब जो मेरा मिक्सचर है यहाँ पे वो ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप इसे टच कर सकें इतना ये ठंडा होना चाहिए। आप अपने हाथों पे आप थोड़ा सा घी लगा लें और आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मिक्सचर का इसे एक अच्छी सी राउंड शेप दे दें, लड्डू की शेप दे दें। ध्यान रखें इसमें क्रैक्स ना हो और एकदम सफाई होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लड्डू बना है कोकोनट का। और इसी तरीके से आप बाकी सारे मिक्सचर के लड्डू बना के रेडी कर लें। हमारे यहाँ पे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने परफेक्ट बने हैं। अब हम इनको प्रेजेंटेबल बनाएंगे थोड़ा सा। उसके लिए आप यहाँ पे लड्डू को जो है आपके बचे हुए कोकोनट पाउडर में ऐसे रोल कर लें। इससे जो आपके लड्डू हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे देखने में। और इसके ऊपर से आप बादाम या काजू या पिस्ता, कोई भी ड्राई फ्रूट ऐसे ऊपर लगा सकते हैं। इससे ये एकदम मार्केट जैसे लगेंगे देखने में। और आप देख सकते हैं हमारे कोकोनट के लड्डू जितने ही देखने में अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पर ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। सो इसी तरीके से आप जो बाकी सारे लड्डू हैं उन्हें भी ऐसे ही आप गार्निश कर लें आपके कोकोनट पाउडर के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो हमारे यहाँ पे कोकोनट लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं खाने में, ये उतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इसी तरीके से इंस्टेंट कोकोनट लड्डू बना के रेडी कर लें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। और इस रेसिपी को आप इस रक्षाबंधन ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाने में आपको लगेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके अपना रक्षाबंधन और भी ज़्यादा स्पेशल बनाएं और अपने ब्रदर्स को और भी ज़्यादा स्पेशल फील करवाएं। अब मैं आपसे मिलूंगी ऐसी बहुत ही टेस्टी स्पेशल एंड बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ। Thanks for watching.